Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिस हिसाब से चलते दोनों different है. Jason Roy technically best से ज़्यादा sound है. अगर आप technical analysis करें तो technique उनकी ज़्यादा अच्छी है. सर technique पे बात करें, program आगे बढ़ाने से पहले मैं शामिल कर लूँ. England से एक बड़ी important voice है, India के नामवर journalist हैं विक्रांत गुप्ता साहब. टेक्निकल विक्रांत कैसे हैं आप? आवाज आ रही मेरी? जी आशीष भाई बिल्कुल आ रही है. अच्छा विक्रांत, मैच तो हार गए आप, लेकिन जो हारने का ढंग नजर आया ना भारत की टीम का, उस पर बहुत सवाल उठे हैं. अगर शुरू से शुरू करें तो पहले तो आप उनके जो दो ओपनर्स हैं उनको रोक नहीं सके, बड़ी ही वेवर्ड बॉलिंग रही. आप स्टार्ट करेंगे इंडिया की बॉलिंग को अगर आप समअप करें. नहीं देखिए, पिटाई तो बहुत हुई है, बहुत पिटाई हुई है, और ये भी बड़ा रेयर है कि दोनों स्पिनर्स 160 रन पर जाए. लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग देखते हैं, आसिफ भाई मैं मैदान में था, जो उन्होंने पिटाई लगाई है ना, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, वो क्लूलेस थे भारत की गेंदबाज. भारत के कप्तान ने भी ऑब्वियसली ट्राई किया होगा. कल शायद स्पिनर्स को इतनी मदद मिली नहीं है. यही इंडिया ने सेकेंड बॉल किया होता तो आप देखते कि शायद स्लोनेस ऑफ द नेचर उनको मदद करती. अब मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि भाई एक महीना पहले पाकिस्तान भी तो यहाँ पर बायलैटरल सीरीज खेल कर गया था, तब पाकिस्तान ने भी तो बहुत सारे रन खाए थे. मैं पाकिस्तान की तो बात पे आया नहीं ना विक्रांत, मैं तो उस तरफ आया ही नहीं अभी. अभी तो जरा मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो इंटीमिडेटिंग है तो है. वो ऐसा नहीं है कि तीन खराब उनके वर्ल्ड कप के मैच हो गए और उनको बैटिंग करना वो भूल गए. उन्होंने जो पहला स्पेल आप देखें बुमराह और मोहम्मद शमी का, उनकी किस्मत अच्छी थी, इनसाइड एजेस हुए हैं, चौके हुए हैं, इधर हुआ है उधर हुआ है, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने जारहाना बैटिंग की है, ये आपको मानना होगा. इंडिया ने कमबैक किया, मेरे ख्याल से 337 रन बहुत ज़्यादा नहीं थे. अगर आप इस विकेट पे इन कंडीशंस में देखें और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड दोनों टीमों की बैटिंग को आमने सामने रखें और जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी, आई थिंक मेरे ख्याल से तो इंडियन ड्रेसिंग रूम ये रिलीव्ड होता कि भाई सिर्फ 337 बने, 338 हम चेस कर सकते हैं. अगर यही 450 होते तो हम कहते हैं कि यार मतलब बॉलिंग आपकी बिल्कुल ही खत्म हो गई या बैट्समैन क्या करे. मेरे ख्याल से दो तरह से लोग देख रहे हैं. ऑब्वियसली ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड ने 337 रन बना के मैच जीता. मेरा ये मानना है विक्रांत, इंडिया ने मैच 337 रन बनवा के नहीं जीता, हारा. इंडिया ने मैच हारा है अपनी बैटिंग. अच्छा बैटिंग, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ और भी कह रहे हैं, मैं आपसे उस पर भी पूछूंगा. जब आप चेस कर रहे हैं 337, उसमें 10 ओवर में 28 रन बनाना ये चीज है, ये समझ नहीं आती. उसके बाद फिर आप कैसे मुझे भी नहीं आई समझ. ऐसा नहीं है कि मुझे समझ आई या इंडियन फैंस को समझ आई है. मैं भी देख रहा हूँ कि तकरीर हिंदुस्तान में भी हो रही है कि यार ये किस तरह का स्टार्ट था. लेकिन अब मेरा सिंपल सवाल ये है कि क्या मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की इंटेग्रिटी को डाउट करूँ? क्या मैं उन दोनों की इंटेग्रिटी को डाउट करूँ? उन्होंने बाद में रन तो बनाए हैं. हालांकि ये भी सही है कि यार इंडिया का ये तरीका नहीं है खेलने का कि आप 10 ओवर में सिर्फ 28 रन बनाए, ऐसा तो तरीका है नहीं. लेकिन अगर आप देखें आसिफ भाई, इंडिया का एक फॉर्मूला है सेट. दो तरह के फॉर्मूला विश्व क्रिकेट में चल रहे हैं. एक है इंग्लैंड का कि हर गेंद पे पिटाई लगाओ, अगला बैट्समैन आएगा देखी जाएगी. इंडिया का फॉर्मूला हमेशा ये रहा है कि जो 1-2-3 है यही भैया ताकत है. जिस दिन ये गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर रन नहीं बनाता. तो जितना आप अपने हाथ में विकेट रखो बाद में उतना आप एक्सेलरेट कर सकते हैं. इन्होंने ये कोशिश की. हालांकि मेरे हिसाब से 10 ओवर में 28 रन 337 चेज करते हुए मुझे तो लगा इंडिया वन साइडेड मैच हारेगा. उस पर अचानक से रोहित शर्मा ने गेयर बदला, विराट ने गेयर बदला, और जिस वक्त ये लग रहा था कि भाई ये मुमकिन है क्योंकि इन दोनों की एबिलिटी थी, विराट गलत टाइम पे आउट हुए, फिर उसके बाद ऋषभ पंत आए, फिर रोहित शर्मा गलत टाइम पे, और जब जब मुझे लग रहा था कि अब होगा तब तब एक बैट्समैन एक गलत टाइम पे आउट हुआ. लेकिन मुझे जिस चीज से ज्यादा सरप्राइज हुआ या चौंकने वाली बात है वो है जो आखिरी 10 ओवर में, देखिए आखिरी 10 ओवर में आई थिंक 72 या 73 रन बने, 72 रन बने आखिरी. लेकिन छक्का भी आखिरी ओवर में लगाया, सिर्फ एक ही छक्का लगा सकी इंडिया की टीम. देखिए ऐसा तो आसिफ भाई नहीं है कि बैट्समैन छक्का नहीं मारना चाहता होगा. हालांकि हैरानी होती है कि दूसरी टीम ने इतने छक्के मारे, इंडिया ने एक ही छक्का मारा आखिरी ओवर में. लेकिन आखिरी 10 ओवर में स्पेशली आखिरी 6 ओवर की जो इंटेंट थी भारत की वो मुझे भी समझ नहीं आई. ऐसे ही नहीं, सौरव गांगुली ने भी बोल दिया या बाकियों ने बोल दिया कि धोनी के खेल पर सवाल उठा दिए. ऐसा नहीं है, उनकी उनका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा. और धोनी का ये सिर्फ आज नहीं, पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखें डॉट बॉल्स की प्रॉब्लम है. वो इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, ठीक है आप इनके बीच में आके डॉट बॉल खेलने वो अलग बात है, लेकिन यार आखिरी 10 ओवर में तो कोई डॉट बॉल नहीं खेलता. और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बड़ा सरप्राइजिंग था ये बाद में 4-5 ओवर का खेल हुआ, केदार जाधव भी आए
अब केदार जाधव मेरे हिसाब से अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर 7 नंबर पे बैटिंग करनी उनकी टीम में जगह ही नहीं, उनका उस तरह का गेम ही नहीं, आप 7 नंबर पे उनको बैटिंग कराते हो तो किसी और को खिलाओ। तो हाँ मैं लेकिन आगे लेकर ये जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में एक व्यू पॉइंट पाकिस्तान से गया और उसमें काफी सख्त बात की या यू नो एक बात की जो कि आपको पता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए साबिक खिलाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप भी इससे एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन देखिए टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। और अगर अभी आप ये कह रहे हैं और आपका ये मानना है कि बासित अली और सिकंदर बख्त ने जो किया था इंडिया की टीम ने वो किया है, तो आई एम सॉरी, फिर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। नहीं ठीक है जी, मैं बोलता हूँ इसलिए। नहीं, देखिए अगर आप पर्सनल वो बात कर रहे हैं कि किसको क्या कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, तो वो आपकी बात सही है, स्पॉट ऑन। लेकिन क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने आया या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने आया है? आप मुझे सिंपल एक बात बताइए। अगर इंडिया ये कहता है कि चलो यार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दो, ये मैच हार जाते हैं हम, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा उससे? मैथमेटिकली इंडिया अगर जीत जाता टॉप करता लीग, हो सकता पाकिस्तान आ जाता, बुरा मत मानिए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को 7 बार वर्ल्ड कप में हराया, तो वो कंपैरेटिवली सोचेगा चलो ठीक है यार पाकिस्तान की गेम हम जानते हैं, पाकिस्तान को हरा सकते हैं सेमीफाइनल। नहीं, वो बात ठीक है, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा विक्रांत, ये मैं इस पे तो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ द चॉइस ऑफ वर्ड्स फोन किया है, आर द कंसर्न, उससे जरा एक आपने इतनी दूर फोन किया, मुझे सुन लीजिए, बियर मी आउट। मैं तो देखिए ना तो टीम का स्पोक्समैन हूँ ना ही मैं किसी मीडिया का स्पोक्समैन हूँ, मैं इंडिविजुअल, अपनी राय आपने मेरे से जाननी चाहिए, आपने आपको लगा कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं तो मैं आपको राय दे रहा हूं। अगर मैं क्रिकेट आप भी आपके वहां से भी वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात कर रहा हूं, इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप से पहले सबसे खतरनाक टीम थी। Exactly. कोई टीम इस टीम से खेलना नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने हराया, उसके बाद लोगों को लगा यार इस टीम को हराया जा सकता है। आज इंडिया सेकेंड आएगा अगर लीग में और इंग्लैंड थर्ड आएगा लीग में, इंडिया और इंग्लैंड का इसी मैदान में इसी ग्राउंड में सेमीफाइनल होगा। आप मुझे एक इंडिया का प्लेयर बता दो या एक इंडिया का फैन बता दो जो कंफर्टेबल फील करेगा कि भैया इसी जगह पे इसी टीम के साथ सेमीफाइनल है जिसने इतनी पिटाई लगाई। तो आप अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप दे रहे हैं तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सुन भी लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैं इमोशंस को समझता हूँ, मैं पाकिस्तान के इमोशंस को भी समझता हूँ, इंडिया के भी समझता हूँ, हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम और आप भी होते हैं और हमारे फैंस भी होते हैं। 24 घंटे पहले पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के जितने सपोर्टर्स हैं वो इंडिया को चीयर कर रहे थे, इंडिया मैच हार गया सब गालियां देनी शुरू हो गई, ये कहाँ का प्यार हुआ, मुझे आप ये बताइए। चले मुझे चलते चलते आखिरी बात बता दें, वो ऐसी भी चीज चल रही है सोशल मीडिया पे कि आपने कहीं क्लेम किया था कि अगर इंडिया हार जाता है तो आप और आपके जो साथी हैं वो छोड़ देंगे अपनी जगह, ऐसी बात हुई थी? ना तो मैंने कुछ बोला है, और अगर आप उस वीडियो को उठा के देखें मैंने उसमें कुछ नहीं बोला, और मेरे साथी ने ये बोला था कि अगर जो इल्जाम आसिफ अली और सिकंदर बख्त लगा रहे हैं कि इंडिया जानबूझ के हारेगा, अगर वो सही है तो उन्होंने कहा था कि हम छोड़ देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जानबूझ के हारा है, आप तो क्रिकेट कवर करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि विक्रांत ये तो अग्रीमेंट है हमारा कि हमें लफ्जों के चुनाव में जरा सा एहतियात करनी चाहिए। माय लास्ट, सही बात, बिल्कुल ठीक है। चले फिर, आपका बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपने इतना वक्त दिया और इतनी इस सूरत हाल पे बात की। विक्रांत गुप्ता की बात आपने सुनी, एक पर्सपेक्टिव है जो यहाँ से भी जा रहा है, एक पर्सपेक्टिव है जो वहाँ से भी आ रहा है, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, इस मैच पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वेल्स ऑफ, बात हम कर रहे थे मसरूर इंडिया की परफॉर्मेंस पे, विक्रांत गुप्ता को भी आपने तफसील से सुना, परफॉर्मेंस पे ही बात कर लें, वो जो बाकी साइड लाइन्स पे चीज़ें हैं वो उसका कोई काम नहीं है ना, उसका कोई काम नहीं है उसका, जब तक देखें इतने बड़े क्लेम का सबूत चाहिए, सबूत है आपके पास, ICC में दे दें फिर ICC के सामने प्रूफ करें, नहीं होता तो फिर आपको मुश्किल हो जाती है ना। सबूत तो अगर इस टाइप के क्लेम करते रहें, सबका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बहुत से लोगों को
और भी सबूत दे। अरे वो जो 2008-09 की चैंपियंस ट्रॉफी थी वहाँ पाकिस्तान की ऐसी सूरत है।